जंगल की, तब वहां पर दुर्योधन को बलदेव प्रभु तो कौन है? हरे कृष्ण, बलदेव प्रभु को तो बड़ा क्रोध आया, वो तो खुद हलधर मुसलधर भयंकर क्रोध आने लगा उनको, क्योंकि शिष्य भी है। दुर्योधन कौन है? बलदेव प्रभु का शिष्य भी है। और उसने क्यों गुरु बनाया था? शकुनी ने बोला था। शकुनी कौन है? जो पासेबाज। शकुनी जिस समय गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र से, धृतराष्ट्र था अंधा और गांधारी थी बड़ी सुंदरी, और शिव जी का वरदान था कि ये 100 पुत्रों को जन्म देगी। सभी लोग चाहते थे कि इसकी विवाह हमारे कुल में हो जाए। क्यों? क्योंकि 100 पुत्र होंगे, सब चाहते थे। जब पितामह भीष्म ये धृतराष्ट्र का रिश्ता लेकर चले गए कांधार, कांधार कहाँ है इस समय? अफगानिस्तान में, कांधार। तो कांधार चले गए, कांधार जाकर के और वहां राजा से बोला, दुर्योधन की बहन थी कौन? गांधारी। इसकी शकुनी की बहन थी गांधारी। बोला, तुम्हारी बहन से हम धृतराष्ट्र का विवाह करना चाहते। जब पहले विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्यों? उन्हें लगा पांडु के लिए आए हैं। जब सुना कि धृतराष्ट्र के लिए आए हैं तो वो तो बड़े क्रोधित हो गए, लेकिन पितामह भीष्म को देख करके चुप बैठ गए। क्यों? मालूम है कि मना कर देंगे तो ये बूढ़ा बहुत मारेगा और पूरा पूरा राज्य हमारा छीन लेगा, इसलिए चुपचाप बैठ रहे, क्योंकि पितामह भीष्म कौन है? सर्वश्रेष्ठ उस समय के योद्धा हैं, उनके टक्कर का कोई भी नहीं था। अर्जुन को भी बीच में युद्ध में धूल चटा चुके हैं, सबको जीवन दान दे चुके हैं, इतने खतरनाक पितामह भीष्म हैं। परशुराम तक को भी परास्त कर चुके हैं। परशुराम जिन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दी धरती, उनको भी परास्त वो कर चुके हैं। परशुराम जी बोलते हैं, जब युद्ध हुआ ना, जब अंबा के कारण, अंबा के कारण जब परशुराम बोलते हैं अंबा से विवाह करो नहीं तो मुझसे युद्ध करो, पितामह भीष्म बोलते हैं, बोला गुरुदेव मैं युद्ध करूंगा लेकिन प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मेरे मरे हुए पिताजी को प्रतिज्ञा दी है इसलिए प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, भले युद्ध कर लो। तब परशुराम जी वहां पर कहते हैं, बोला देवव्रत ध्यान रखो, मैं कौन परशुराम हूं जिसने 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए धरती को, तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो? पितामह भीष्म क्या बोले? बोला गुरुदेव आप भी पहली बार ही पितामह भीष्म से युद्ध करोगे, आ जाओ, दो दो हाथ हो जाए, और हरा दिया अंत में। एक ऐसा अस्त्र था जिसका तोड़ परशुराम जी के पास में नहीं था, और जब वो अस्त्र आया परशुराम जी ने सरेंडर कर दिया, तभी वहां पर सभी देवी देवता आकर के, शिव जी विशेष रूप से आकर के युद्ध को स्थगित करवाते हैं। पितामह भीष्म को कहते हैं कि गुरु जी का वध नहीं करते किसी भी परिस्थिति में, और वो अंबा को वरदान दे देते हैं कि जाओ तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनो, वही अंबा अगले जन्म में शिखंडी होकर के आती है। तो यहां पर जब बलदेव प्रभु देख रहे हैं तो ये दुर्योधन बलदेव प्रभु का शिष्य क्यों बना? शकुनी ने कहा था, बोला भांजे एक दिन युद्ध तो अवश्य होगा, एक दिन युद्ध अवश्य होगा, और ये जो छलिया कृष्ण है ये जरूर पांडवों की तरफ से लड़ेगा, लेकिन दाऊ भैया भोले वाले अगर तू इनको अपनी सेवा से पटा लेगा तो हो सकता है ये तेरी तरफ से युद्ध कर लें, इसलिए जा उनसे जाके गदा युद्ध सीख। दुर्योधन आ गया, गदा युद्ध सीखता था और खूब सेवा करता था, खूब सेवा करता था दुर्योधन बलदेव प्रभु की, और सेवा करते करते दिल जीत लिया। उन्होंने भी पूरी शिक्षा दी उसको अच्छे से, भीम को तो दी थी, साथ में किसको दी थी? दुर्योधन को बढ़िया शिक्षा दी थी, दुर्योधन बड़ा योद्धा था। और जब सुभद्रा के विवाह की बारी आई तो बलदेव प्रभु क्या चाहते थे? सुभद्रा जी की शादी किससे हो? दुर्योधन से हो, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन से भगवा दी। अर्जुन आ गया भेष बदल करके, किसका? साधु का भेष बना करके, और आकर के सुभद्रा से रथ में बिठा करके भाग गए। जब भाग रहे थे तो कृष्ण ने पहले ही बोला था, अर्जुन एक चीज ध्यान रखना, जब तुम सुभद्रा को लेकर भागोगे, जब जो रथ की लगाम है वो सुभद्रा के हाथ में होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही हुआ, जब रथ लेके भागे तो लगाम किसके हाथ में थी? सुभद्रा जी के हाथ में थी। क्यों? जब बलदेव प्रभु को पता चला ना कि ये जो साधु बनकर के आया था ये कौन था? अर्जुन। तो बलदेव प्रभु ने तो अभी हल निकाल लिया अपना, बोला अभी खींच लेता हूं इसको वापस। तब कृष्ण बोलते, बोला दाऊ भैया ध्यान से देखो कौन किसको भगा रहा है। बोला ये सुभद्रा अर्जुन को भगा रही है, अर्जुन नहीं भगा रहा है। ऐसे करके विवाह हुआ था कृष्ण ने, क्योंकि भगवान क्या बोलते हैं, यहां शिक्षा दे रहे हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं जगत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु भगवान उसी को ही प्रदान करते हैं। सुभद्रा जी कौन है उस समय की सर्वश्रेष्ठ जो सुंदरी, विश्व सुंदरी सुभद्रा जी हैं, किसको प्रदान करी हैं? अर्जुन को।
और जो द्रौपदी हैं वो भी कौन है? विश्व सुंदरी, यज्ञ कन्या, जिसका जन्म नहीं हुआ, यज्ञ से प्रकट हुई है समस्त वरदानों के साथ में, ऐसी कन्या किसी को श्राप दे तो सिद्ध होगा। वही भगवान ने किसको प्रदान करी? पांडवों को प्रदान करी। भगवान बता रहे कि मेरे भक्तों को मैं सर्वश्रेष्ठ वस्तु दे देता हूं। इसीलिए दुर्योधन बलदेव प्रभु का शिष्य बना था। और जब अंतिम युद्ध में बलदेव प्रभु ने देखा कि मेरे शिष्य की ऐसी हालत किसने करी, कौन है ऐसा गुस्सा करके बोला, तो कोई बोल ही नहीं रहा वहां पे, सब चुप। तब वहां पे भीम बोलता है कि मैंने करा। तो बोला तू जानता नहीं, बोला मेरे से युद्ध कर। बोला तुझे मैंने यही सिखाया कि गदा युद्ध में कमर के नीचे वार करो? वो चुप, कुछ नहीं बोले। तब वहां पर कृष्ण बीच में आकर के दाव भैया को बोलते हैं, बोला दाव भैया जब युद्ध शुरू हुआ था, जब तो आप तीर्थ करने चले गए, अब यहां क्या करने आए, जाओ तीर्थ ही करो, अब आपका बोलने का कोई अधिकार यहां पर नहीं है। जब पूरे युद्ध में रहते तब कुछ कह सकते थे कि भैया हाँ ये गलत ये सही है, और तो आपने तो देखा नहीं, आप तो नहीं थे ना, किस प्रकार ये बड़े बड़े 7 महारथियों ने मिलकर के अकेले अभिमन्यु का वध किया था। ये कर्ण, ये दुर्योधन, ये द्रोणाचार्य, ये कृपाचार्य, ये अश्वत्थामा, इन सब ने मिलकर के अकेले अभिमन्यु को मारा था। ओ बलदेव प्रभु जब कृष्ण के तर्कों को सुना तो कुछ नहीं बोल पाए, वहां से चले गए। फिर हमने आगे श्रवण किया, दुर्योधन अंतिम सांस ले रहा था, तब वहां पे कृपाचार्य अश्वत्थामा आते हैं, अश्वत्थामा का राज तिलक करते हो जाकर के पांडवों का वध, पांडवों के जो 5 पुत्र हैं उनका वध वो कर देता है, लेकर के आता है। और दुर्योधन को एक और वरदान है कि हर्ष और शोक जब एक समय उपस्थित होंगे उसी समय पर इसका इसकी मृत्यु होगी। और वो देखता है कि ये तो पांडु का सिर नहीं है, ये तो पांडवों के बच्चों का सिर है, उसको देख करके बड़ा दुख होता है, और पहले मरने का उसको खुशी भी होती थी, उस समय पर उसके प्राण निकल जाते हैं। और युद्ध कौन जीत जाते हैं? युधिष्ठिर महाराज, और युधिष्ठिर महाराज राजा बन जाते हैं। जब राजा बन जाते हैं, अब जब देखते हैं सब कुछ ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, और पितामह भीष्म की क्या प्रतिज्ञा थी, जब तक ये हस्तिनापुर का जो राज्य है जब तक सुरक्षित हाथों में नहीं होगा, जब तक मैं इस देह को नहीं त्यागा, इच्छा मृत्यु का वरदान था। वहां पर कृष्ण जो है अब सब ठीक ठाक देख करके कृष्ण रथ पर चढ़ करके वापस जाने लगे। बोला अब सब ठीक हो गया है, पांडवों को राज्य मिल गया है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। जब रथ पर चढ़कर जाने लगे उसी क्षण कुंती महारानी दौड़ी चली आती हैं। कुंती महारानी कौन लगती हैं? कृष्ण की बुआ लगती हैं। ये जो कुंती महारानी है इनका जो वास्तविक नाम है वो है प्रीथा, और ये वासुदेव की बहन है, लेकिन इनका विवाह जो है जो कुंती भोज राजा हैं उनसे इन्होंने गोद लिया था, उनकी कोई संतान नहीं थी, तब उन्होंने क्या किया था, इस प्रीथा को गोद ले लिया था। गोद लेने के कारण इनका नाम पड़ा कुंती भोज की पुत्री होने के कारण इनका नाम पड़ा कुंती। तो जो कुंती महारानी है ये आकर के कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करती है, बोला नमस्ते पुरुषम, बोला हे कृष्ण आप कौन है? परम पुरुष है। और क्या बोले, जितने भी ईश्वर हैं, आद्योच ईश्वर प्रकृते परम, और बोले प्रकृति के भी ईश्वर। और यहां पर एक अद्भुत बात बताते, क्या बोलती, बोला अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। ये एक ऐसी बात बोली है जो समस्त मायावा सबका खंडन कर देगी। अंतर बहिरवस्थितम किसको कह रही है? स्वयं कृष्ण को ही कह रही है। बोला कोई जाने या ना जाने, देखे या ना देखे, बोला हे कृष्ण तुम संपूर्ण जगत के जीवों के अंदर भी हो और बाहर भी, और मेरे सामने भी खड़े हो, ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करती हूं। कृष्ण बोले, कृष्ण चौंक गए, बोला बुआ ये क्या उल्टी गंगा वाणी चालू कर दी तुमने अचानक से, कहां बुआ और कहां भतीजा? भतीजा बुआ को प्रणाम करता है कि बुआ भतीजे को प्रणाम करती है? बुआ बोले, बोला वारे भतीजे मैं बहुत अच्छे से जानती हूं तुम्हें, तुम कैसे भतीजे हो। वहां पर बोलती है, बोला तुम्हारी माया को समझना असंभव है, बड़े बड़े ऋषि मुनि चक्कर खा जाते हैं, घूम जाते हैं, क्या हो रहा है? बोला मैं खुद चक्कर खा गई कितनी बार, मैं समझ नहीं पाई आज तक भी। कुंती महारानी कहती है कि मैं समझ नहीं पाई कि आपकी लीला क्या है। फिर बाद में बड़ा सुंदर बोलती, बोला नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय। अब यहां पर ये प्रश्न होता है कि कृष्ण का सब जगह पंकज 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 से ही क्यों, बताओ, हर जगह पंकज, नेत्र कमल,
सब कमल कमल कमल, हस्त कमल, चरण कमल, कमल कमल कमल। क्यों? क्योंकि ये जो कमल है ये एक अकेली ऐसी वस्तु है जो ब्रह्मा जी की रचना नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। इसलिए ब्रह्मा जी की रचना की बाहर की वस्तु है ये कमल, इसलिए भगवान की तुलना अगर करते हैं तो किससे करते हैं? हमेशा कमल से। और कमल बड़ा सुंदर है, बड़ा कोमल है। इसलिए जब तुलसीदास जी भी जब राम जी की स्तुति करते तो क्या बोलते हैं? श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। ये कंज क्या है? कंज माने कमल। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, सब कंज कंज कंज, कमल से स्तुति। और जब गुरु जी की स्तुति करते तो क्या बोलते हैं? गुरुपद कंज, गुरुपद कंज कृपामय नर रूप हरि। अपने गुरु जी के विषय में तुलसीदास जी बता रहे, देखो गुरु जी का नाम परोक्ष रूप में लिया, आप डायरेक्ट नहीं लिया, छुपा करके। तुलसीदास जी भी यहां पे अपने गुरु जी का नाम छुपा करके ले रहे। बोलते ना सुखदेव गोस्वामी ने राधा जी का नाम खुले रूप में क्यों नहीं लिया, सीधा सीधा बोल देते ना जगह जगह, राधा जी का नाम ले देते, छुपा करके क्यों लिया? तुलसीदास जी देखो 500 साल पहले अपने गुरु जी का नाम डायरेक्ट नहीं ले रहे, इस चौपाई के अंदर छुपा करके। गुरु पद कंज नर रूप हरि माने नर हरि, उनके गुरु जी का नाम क्या है? नर हरि। ये छुपा करके अपने गुरु जी का नाम लेने की ये परंपरा हमारे ये संस्कृति में चली आई है, इसी को ही सुखदेव गोस्वामी ने भी वही किया था। इसीलिए यहां पर कुंती महारानी भी कृष्ण के हर एक अंग की तुलना किससे करती है? कमल से करती है। और करते करते आगे बहुत सुंदर सुंदर कृष्ण बोलते, बोला माता जी जब मेरे को कह ही रही हो कि मैं तो सर्वभूत हृदय अवस्थितम हूं, मैं सबके भूत सभी जीवों के हृदय में रहने वाला हूं, सारे प्रकृति का मालिक हूं, तो मांग लो फिर मुझसे, कुछ मांग लो ना, कुछ मांगो मैं दे देता हूं। यहां पर ऐश्वर्य भाव प्रकाशित किया कुंती महारानी, ऐश्वर्य कृष्ण का सामने, वहां पर माधुर्य जो है वो घट करके ऐश्वर्य प्रधान हो गया है। तब कुंती महारानी कहती है विपदः संतु, विपदः संतु, वहां पे बोलिए शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु। बोला हे कृष्ण समस्याओं को विपदाओं को आने दो, क्या करो आने दो। बोला क्यों? बोला जब विपदा आती है तो आप भी हमारे साथ होते हैं, जब विपदा चली जाती है तो आप भी चले जाते हो, इसलिए कृष्ण हमको विपदाएं दो, हमको दुख दे दो। तो क्या कुंती महारानी यहां पे दुख मांग रही है क्या? नहीं, कुंती महारानी यहां पे दुख नहीं मांग रही है, वो कृष्ण का संग मांग रही है। क्या मांग रही है? कृष्ण का संग। क्यों? भवती दर्शनम, बोला यत यस्त, बोला अपुनर्भव दर्शनम, बोला जो कृष्ण का संग होने से फिर पुनर्भव का दर्शन नहीं होता। इस प्रकार कुंती महारानी ने बड़ी सुंदर सुंदर स्तुति करी है। बाद में बोलती है जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर मान पुमान मद पुमान, बोला ये चार किसी में आ जाए तो आपका भजन नहीं कर सकता, ये चार किसी में आ जाए तो भजन नहीं कर सकता। हम गुरु जी के चरित्र में सुनते हैं कि चारों के चारों ऐश्वर्य उनमें परिपूर्ण रूप में थे, लेकिन भजन करके दिखा, हमारे सामने तो उदाहरण है। हाँ, इस प्रकार के उदाहरण है। जब ऐसे ऐसे सब बातें बोली तो कृष्ण वहां पर बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन बाद में कृष्ण थोड़े घबरा गए। क्यों घबरा गए? जब दामोदर लीला हुई थी ना, जब मैया जब बोल रही थी, जब दिखाया, तो कृष्ण क्यों घबरा जाते हैं? जब अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं तो कभी कभी घबरा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा ऐश्वर्य देख करके मुझे भगवान मान ले और बिठा दे शालिग्राम के साइड में साथ में और कर दे बताशा दे के गेट बंद, इसलिए कृष्ण घबरा जाते हैं। इसलिए यहां कुंती महारानी के सामने ऐश्वर्य दिखा दिया, फिर अंत में क्या बोलते? बोला नहीं नहीं बुआ, मैं तो आपका वही भतीजा हूं। क्यों बोल रहे ऐसा? उनको मालूम है कि क्योंकि मैं कभी कभी यहां पर आता हूं हस्तिनापुर में, तो बुआ बड़े प्रेम से रसोई बना करके खिलाती है, बड़ा लाड़ लड़ाती है, माँ का प्रेम देती है कुंती महारानी। और हाँ, लेकिन अगर यहां पर भी अगर मेरा ऐश्वर्य प्रधान हो गया, अगर ऐश्वर्य रूप में, तो कुंती महारानी जब भी आऊंगा तो पैर पकड़ लेगी। इसलिए कृष्ण वहां पर उनको बोलते हैं अंत में कि कुंती महारानी मैं आपका वही भतीजा हूं, आप मेरी वही बुआ हो, और उनकी बात मान करके पुनः महल में चले जाते हैं। आगे की कथा आगे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। ओम ज्ञानतिमिरामृतस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। एक बार जोर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। कतगल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री परीक्षित महाराज कलि को चार जगह पर स्थान दे दिया, इसलिए उन्होंने चार जगह पर स्थान दिया कलि को, इसलिए उन्होंने स्थान दिया। देखा कलेर दोष निध राजन अस्ति एक महान गुण। कलियुग तो दोष दोष के ही आगा रहे। क्यों? कहते प्राप्ते कलियुगे घोरा नरपुण्य विवर्जिता। कलियुग आने पर लोग धर्म कर्म सब छोड़ थाड़ देंगे, दुराचार रता सर्व सब के सब दुराचार में सब लिप्त हो जाएंगे। सत्य वार्ता परान्मुख कोई सच बोलेगा नहीं, सब झूठ बोलेंगे हैं। और स्त्रियों का कोई इज्जत नहीं रहेगी। कलियुग जब घोर कलियुग आएगा, पहले एक असत्य स्त्री मिलना कठिन होता था, लेकिन कलियुग जब आएगा एक सत्य स्त्री मिलेगी नहीं कलियुग। इसलिए इन्होंने ये कलियुग का घोर तो देखा तो है, लेकिन देखा कलियुग में तो पाप ही पाप है, लेकिन कलियुग में एक गुण भी है। क्या है? बोले कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्तम बद्ध परम ब्रज। अगर कलियुग में थोड़ी सी भगवान का नाम कीर्तन अगर कर दे, बस जीव भवसागर से पार हो जाएंगे हैं। और क्या करना? केवल चार नियम ही पालन करना। जुआ नहीं खेलना, नशीली वस्तु नहीं लेना, अवैध रूप में स्त्री संग नहीं करना और जीव हिंसा नहीं करना। केवल ये चार नाम को पालन चीज को पालन करें। क्योंकि जैसे किसी अच्छे डॉक्टर के पास में जाओ, तुमको कोई बीमारी है, अगर सचमुच से वो डॉक्टर अगर हमारी बीमारी को सही करना चाहता है, पहले परहेज बताएगा। बोले दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, लेकिन परहेज को साथ में अगर ये दवा लोगे, जल्दी जल्दी से ये दवा काम करेगा। अगर बगैर परहेज के अगर दवा खाओगे, जिंदगी भर खाओगे, लेकिन फल नहीं मिलेगा। इसलिए वही विशेष जरूरत परहेज, ये चार चीज परहेज है। और दवा तो बहुत मीठी दवा, और दवा क्या है? ये हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए लेकिन चार जगह देने का बाद तब भी कलि खुश नहीं हुआ। बोले कहाँ मैं ढूंढता रहूँ, ये पाप कर्म कौन करते, कहाँ ढूंढता रहूँ, मेरे को ऐसे एक जगह पर स्थान दो जहाँ पर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। फिर उन्होंने सुवर्ण में ही स्थान दिया है, क्योंकि वहीं पर जहाँ पर ज़्यादा पैसा है, ये जितने तरह का पाप कर्म अक्सर करके वहीं पर हुआ करता है, हैं। इसलिए उन्होंने सुवर्ण में उन्होंने स्थान दे दिया। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है, भैया जो पैसा को तो लक्ष्मी कहते हैं, कि लक्ष्मी में फिर पाप के निवास कैसे हो जाए? इसलिए कल हम सुन रहे थे ना, लक्ष्मी की दो वाहन है, एक उल्लू और एक गरुड़। उल्लू, अब देखना उल्लू के ऊपर लक्ष्मी अकेली बैठी रहती है, अगर पैसा को बुलाए, क्योंकि पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है,
मंदिर में तभी तो सेवा चल रहा है, रोज रोज केक हमारे प्रभु जी केक बना रहे हैं, इडली सांभर बना रहे हैं, हैं और बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना रहे हैं। ये प्रसाद कहाँ से आता है? बगैर पैसा से थोड़ी होगा, हैं? पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। एक समय जगन्नाथ जी ना ये हमारे बलदेव प्रभु जगन्नाथ जी को बड़ी डांट लगा दी, जगन्नाथ जी को खूब डांट लगा दी। बोले क्या तुम्हारी जो पत्नी लक्ष्मी कोई देखती नहीं, कौन सा घर चंडाल पंडाल कुछ कोई घर देखती नहीं, सब घर में घुस जाती है, हैं? और उसको तुम अपना पास में बैठा रखते हो। एक दिन घुसा कर दिए भाई बलदेव प्रभु, बड़े दाऊ भैया, बड़े भैया का तो बात सुनना पड़ेगा। इसलिए कृष्ण बोले ठीक, लक्ष्मी भैया तेरी जरूरत नहीं, तू सबको घर में घूमते रहती हो, तू चले जा। लक्ष्मी ऐसी अवस्था कर दी ना, कृष्ण बलराम को भोजन नहीं मिला। इतने दर दर भटक गए, इतने दर दर भटक गए कृष्ण बलराम, कितने हजार साल तक उनको भीख मांगने पर भी खाना नहीं मिला है, एकदम पूरा भूखे में एकदम चारों तरफ भटक रहे, कहीं खाना नहीं। लास्ट में बोले भैया लक्ष्मी को त्याग देकर बड़ी गड़बड़ किया है, लक्ष्मी के ऊपर कोई काम नहीं चलेगी, लक्ष्मी के ऊपर कोई काम ही नहीं चलेगी। लक्ष्मी भैया बुलाओ लक्ष्मी को, नहीं तो कोई काम लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। लेकिन जो लक्ष्मी है वो किसके लक्ष्मी? और नारायण के लक्ष्मी है। इसलिए अगर वो लक्ष्मी अगर नारायण की सेवा में लग जाए तो बस लक्ष्मी तो धन्य हो जाती है, फिर तो भगवत धाम को प्राप्त करा देती है। लक्ष्मी को अगर अकेले बुलाओ, बोले माँ लक्ष्मी अकेला है, बोले क्यों आपको भोग करूंगा? लक्ष्मी बोले तेरे तू मेरे को भोग करोगे? आता ही अभी वो उल्लू को ऊपर बैठ करके आएगी और हमें क्या बुलाएंगे? उल्लू बनाती हैं, है हमें मूर्ख बनाती हैं। लेकिन लक्ष्मी को बुलाओ ठाकुर की सेवा के लिए, फिर तो अब देखना गरुड़ के ऊपर लक्ष्मी कभी अकेली नहीं बैठती हैं, वहाँ लक्ष्मी नारायण को साथ में दोनों विराजते हैं। मतलब क्या है? अगर उनको कृष्ण सेवा के लिए बुलाओ तो वो गरुड़ के ऊपर बैठ करके आएगी, और गरुड़ रहते हैं वैकुंठ में, वृंदावन में रहते हैं, फिर हमारी घर को क्या बना देंगे? भगवान का धाम बना देंगे। ये चीज को हमें याद रखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये लक्ष्मी सुवर्ण में उन्होंने स्थान दे दिया। मतलब एक दिन श्री परीक्षित महाराज अपना जंगल में मृगया करने के लिए गए थे, हैं, शिकार खेलने के लिए गए थे। जब शिकार खेलने के लिए गए थे, आज इतने जोर से उनको प्यास लग रहा था, जिंदगी में कभी इतने जोर से प्यास लगी नहीं। पानी ढूंढ रहे थे, पानी ढूंढते ढूंढते श्रमिक मुनि आश्रम पर पहुंचे। वहां पर श्रमिक मुनि सचमुच से भजन में बैठे हुए थे, हैं, भक्ति कर रहे थे, भजन में बैठे, ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज जोर जोर से आवाज लगाए, रिसीवर थोड़ी से मुझे पानी दो, मेरे को पानी दो, जोर जोर से चिल्लाए, लेकिन उनको ध्यान ही नहीं खुले। क्यों? बैठे हुए थे भजन में, समाधि में बैठे हुए थे, हैं? जब नेत्र नहीं खुला, बोले देश का राजा मैं हूँ, और देश का राजा आपका आश्रम पर आए और थोड़ा पानी मांगे, अब थोड़ी पानी तक भी नहीं दे पाए, हैं? इतने में देखा वहां पर पड़ा हुआ था एक मरा सर्प पड़ा हुआ था। इसलिए कोई कोई साधु कहते हैं, क्या साधु का आश्रम में ये सांप कैसे मर के पड़ा हुआ? ये साधु क्या सांप मारने वाला साधु ना क्या है? कोई कोई कहती है सांप मारने वाले साधु, सांप वहां से कहाँ से आ गए? तो कुछ कुछ, हाँ, इसलिए कुछ कुछ संतों का कहना है कि जिस समय अर्जुन ये खांडव वन को दहन कर रहा था, खांडव वन दहन करते समय उसने ये खांडव वन जो अग्नि में बहुत दिन तक ऋषि मुनियों ने यज्ञ बहुत दिन तक किया था, उसमें घी डालते 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 अग्नि घी पी 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 कर, अब ज्यादा घी पियो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। अगर डॉक्टर के पास में किया जाओगे तो क्या बोला? बोला हरी सब्जी खाओ, बोले ना हरी सब्जी खाओ, फिर तो थोड़ा सही होगा। इसलिए ये अग्नि है, अग्नि उन्होंने शरण में गए, बोले क्या करनी चाहिए? बोले कोई हरी कोई पेड़ पौधा खाओ, है अभी तक बोले घी घी पिए हो, बोले हरी अगर वृक्ष को खाओगे फिर तुम्हारी ये अजीर्णता खत्म हो जाएगी। इसलिए खांडव वन में जब आग लगती है ना, सब जानवर सब भाग जाते हैं। और जो खांडव वन ये इंद्र का अधीन में था, और इंद्र इतनी जोर से बारिश करता है खांडव वन, फिर बुझ जाती है। तब उन्होंने अर्जुन का शरण में गए। अर्जुन बोले मेरे को तो मदद कर। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले यहाँ से कोई भी जानवर को भागने नहीं देना। अरे इंद्र जब बारिश करता है, बारिश को सुखा देना। बोले कोई बात नहीं। फिर तो उन्होंने ऐसे किया, जब आग लगी, जब जानवर जाने लगे ना,
बाण लेकर खड़े हुए, किसी को जाने नहीं दिया, जितना जानवर फानवर को पर गिरा दिया। अरे इंद्र बारिश कर तो ऐसे बाढ़ मार ऊपर ऊपर बारिश को सुखा दे है। लेकिन उसी समय में ये जो तक्षक है उसने क्या भाग गया वहां से, लेकिन उसको मार नहीं पाया, भाग गया और उसका सारे वंश के वंश सब खत्म हो गया। इसलिए ये तक्षक ने वो सुजोग ढूंढता था, ऐसे सुजोग मिले ये अर्जुन को उसके ऊपर में प्रतिशोध लेने के लिए। लेकिन अर्जुन तो कृष्ण भक्त है और जो कृष्ण भक्त है उनके ऊपर तो कोई काम चलता नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश किया उनको वंश के ऊपर में करने, इसलिए एक बार कर्ण भी बाण भी मारा, एक बार बाण भी मारा था, लेकिन उससे हनुमान ने क्या किया, रथ को उन्होंने दबा दिया। इसलिए संत का कहना है वो तक्षक सांप ही वहाँ पर अपने आप आकर के जैसे मृत जैसे पड़ा हुआ था है, इसलिए परीक्षित ने उसी सर्प को उन्होंने ऋषि की गले में डाल करके जब चले गए, जब श्रृंगी ऋषि को किसी ने बोला, बोले परीक्षित महाराज आए थे, उनको पानी मांगे, तेरे पिताजी पानी नहीं दिए, तो उन्होंने क्या किया, मरा हुआ सर्प को डाल कर चले गए। हाँ इतना सुनते ही श्रृंगी ऋषि उनको क्रोध आया और उठाया कौशिक नदी का पानी और मंत्र पूत करके बोले अभी प्यार का जुती अभी सिर पर चढ़ना चाहते हैं। राजा लोग क्या समझ रहे हैं ऋषि मुनियों को है, ये ऋषि मुनि कोई साधारण व्यक्ति है, बोले जिसने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को डाला मैं उनको अभिशाप देता हूँ, तब सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करेगा। अभिशाप दे दिया, जब अभिशाप दे दिया आकर के रोने लग गए, देखा पिताजी के गले में सचमुच से मरा हुआ सर्प डाला हुआ, रोने लग गए। तो इतने में ऋषि की नेत्र खुल गए। तब यहाँ पर प्रश्न करते हैं, अभी परीक्षित महाराज आ करके चिल्ला चिल्ला करके गला फाड़ फाड़ करके इतने चिल्लाए पानी पानी पानी, ऋषि का नेत्र नहीं खोला और बेटा आकर के थोड़ी सी रो पड़ा तो इनकी आँख खुली गई। क्या ये परीक्षित महाराज कोई दूसरे थे और बेटा अपना था इसलिए नेत्र खुल गई, बोले ऐसे नहीं, कहते दो कारण से नेत्र खुली है। पहला कारण है कहते परीक्षित महाराज कौन है, कृष्ण भक्त है, जिन्होंने मातृगर्भ में कृष्ण दर्शन किए, जन्म हुए तो कृष्ण भी गोद में जो लालन पालन हुए हैं ये कृष्ण के परम भक्त है। इनका जो जन्म देखा है, बोले ये पंच पांडव में जितने गुण हैं अकेला श्री परीक्षित महाराज उतना गुण है, सारे गुण अर्जुन जैसे ये धनुर्धारी, कद भीमसेन जैसे ये गदाधारी, युधिष्ठिर महाराज जैसे भाला युद्ध में, नकुल सहदेव जैसे तलवार युद्ध में, ये सबका गुण ये परीक्षित महाराज में विद्यमान था। सर्वगुण संपन्न ये थे, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे परीक्षित महाराज हैं, बल्कि इतने बड़े राजा बनेंगे जो कली को भी जो दंड प्रदान करेंगे, इतने बड़े राजा। इनका जो जीवन चरित्र जब उनकी जन्म पत्र दिखाया ना, बल्कि ऐसे राजा होना बड़ा कठिन है, इतने सर्वगुण संपन्न श्री परीक्षित महाराज थे हैं। इसलिए ये कृष्ण भक्त है, इसलिए किसी ऋषि के आश्रम पर आए पानी मांगे, अगर पानी नहीं दिया वापस गए, इसको द्वारा क्या हो गया, किसी वैष्णव चरण में अपराध हो गया है। कहते ना हंति निंदंती वैदेष्टि वैष्णवा नाम जे अभिनिंदंती क्रुद्धेत जाति न हर्ष बोलो दर्शने पतनानिसट। उसमें एक एक है जो छह तरह का जो वैष्णव अपराध में एक अपराध है अभिनिंदंती, वैष्णव आने पर उनको जो अभिनंदन नहीं करते हैं, वैष्णव आए हंति मतलब मारना, निंदंती निंदा करना, वैदेष्टि विद्वेष करना और वो आने पर अभ्यर्थना नहीं करना, और क्रुद्धते क्रोध करना, और जाति न हर्ष भक्तों को देकर खुश नहीं होना है, ये क्षेत्र का अपराध है। इसलिए ये एक अपराध हो गया। जब अपराध हो जाएगा अपराध का फल क्या है, कहते भक्ति से च्युत, भक्ति से च्युत है, भक्ति रूपी लता को क्या करता है, जड़ समेत उखाड़ करके ये फेंक देता है, ये वैष्णव अपराध, इतने खतरनाक ये वैष्णव अपराध। इसलिए अभी तक तो समाधि में बैठे हुए थे, लेकिन जब परीक्षित महाराज चले गए क्या हुआ, एक वैष्णव आए और उनको आदर नहीं हुआ, आदर नहीं होने से ये अपराध हो गया, ये अपराध होने से क्या होता है, भक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए उनकी जो समाधि में बैठे हुए थे ये समाधि टूट गया, कहती ये पहला कारण है। दूसरा कारण है क्या है,
अभी जैसे हम भजन करते ऐसे थोड़ी पहले भजन करते थे, हैं हम एक जगह पर बैठ कर थोड़ी हरिनाम नहीं कर पाते हैं, मन माला लो तो इधर मुंह भी चलता है हाथ भी चलता है, मन अपना काम करता रहता है, हाँ पता नहीं मन कहाँ कहाँ ये घूमता रहता है मन, ये मन भजन में एक मिनट भी, एक घंटा बैठो एक मिनट भी मन नहीं लगता है, मन अपना काम करता है, हम अपना काम कर रहे हैं। पहले साधु तो लोग ऐसे थोड़ी थे, पहले जब वो समाधि में बैठते थे तो महीना महीना तक इनकी समाधि नहीं टूटती थी, ऐसे भजन में ये लीन हो जाते थे, हैं इतने भजन में तन्मयता इनको प्राप्त होती थी। अभी परीक्षित महाराज को अभिशाप दे दिया, लेकिन अभी परीक्षित महाराज को उपलक्ष्य करते हुए ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रकाशित होने वाले। अभी जोग माया है, लीला शक्ति जोग माया ने देखा, कहते परीक्षित महाराज को कब ये भागवत कथा होगा, जब उनको पता चलेगा श्रृंगी ऋषि ने अभिशाप दिए, फिर जब राज्य छोड़ करके भजन के लिए आएंगे गंगा किनारा में बैठेंगे, जब 88,000 ऋषि लोग आएंगे वहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे तभी तो भागवत कथा होगी ना। अभी इनको उपलक्ष्य करते हुए भागवत ग्रंथ प्रकाशित होने वाले, लेकिन ऋषि तो अगर भजन में बैठेंगे तो भैया परीक्षित महाराज को पता कैसे चलेगा अभिशाप है, यदि भागवत ग्रंथ ही प्रकाशित नहीं होगा। इसलिए जोग माया जो लीला शक्ति थी उसने क्या की, श्रृंगी ऋषि का उनको जो ध्यान को उन्होंने तोड़ दिया, जो तोड़ दिया है तो श्रमिक ऋषि के ध्यान तोड़ दिया, तो सामने देखा बेटे को रोते हुए, बोले बेटा क्या बात है क्यों रो रहे हो, बोले ऐसे ऐसे है परीक्षित महाराज आए थे, बोले परीक्षित महाराज आए थे परम कृष्ण भक्त अहो भाग्य है हमारे आश्रम पर आए थे, बोले हाँ, बोले फिर क्या हुआ, बोले क्या हुआ फिर आपको पानी मांगे आपने पानी नहीं दिया, फिर क्या हुआ, बोले आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, बोले फिर क्या, मैंने उनको अभिशाप दे दिया सप्तम दिवस में उनको तक्षक दंशन करके अभिशाप दिया, बोले नालायक तेरे को पता ये कौन है, इनके आशीर्वाद से ही हम सुष्ट रूप में भजन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये परम कृष्ण भक्त है, कृष्ण गर्भ में कृष्ण दर्शन किया, कृष्ण की गोद में लालित पालित हुए, ये तो परम कृष्ण भक्त, हमारे अहोभाग्य था हम आश्रम पर आए, पानी तो दिया ही नहीं अभिशाप दे दिया। इसलिए कोई कोई संतों का कहना है इतने में जो श्रमिक ऋषि है ना सारे ब्राह्मण समाज को अभिशाप दे दिया, पहले ब्राह्मण का मुंह में आग जलती थी, मतलब जो कुछ बोल देना वो हो जाता था, क्योंकि पहले ब्राह्मण सचमुच से ब्राह्मण धर्म को जाजन करने वाले थे, ब्राह्मण धर्म को पालन करते थे, इसलिए जो बोलते थे वही हो जाता था, लेकिन श्रमिक ऋषि ने अभिशाप दे दिया, बोले आज से ये ब्राह्मण का मुंह में जो ब्रह्म शक्ति है, ये जो ब्रह्म शक्ति कहती है सबके सब इनकी नष्ट हो जाए, सबके सब इनके बाघ शक्ति खत्म हो जाए, कहे तभी से इनकी और बाकी में कोई शक्ति रही नहीं है। बोले भैया कम से कम परीक्षित महाराज को तो पता चलनी चाहिए जे इनको पास में कुल 7 ही दिनी है, हैं कुल कम से पता तो चले तभी तो कुछ करेंगे। तो गौरमुख नाम के एक ब्राह्मण था, बोले तुम जा करके ये परीक्षित महाराज को ये खबर दो। अभी परीक्षित महाराज ये काम करके तो गए, लेकिन हे तो संत है ना, हे तो भक्त है ना, लेकिन जब थोड़ी दूर गए ना इतने इनको ग्लानि हुई, इतने ग्लानि हुई, बोले हाय रे मैं किसका वंशधर, अर्जुन का, कृष्ण के परम भक्त अर्जुन पांडव का वंशधर हूँ, अभिमन्यु कुमार में बैठा हूँ, हमारी वंश में तो सबके सब ब्राह्मण संतों की सेवा करने वाले हुए, कोई भी अपमान कभी हमारे वंश में कोई भी साधु संत ब्राह्मण को अपमान नहीं किया, मैं कैसे कुलंगार जन्म लिया, केवल पानी की प्यासा में आकर के साधु की गले में मैंने मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने बड़ी गलती काम की। कहते अगर हमसे कोई अपराध हो जाए ना, अगर उसको दंड मिल जाए तो अब देखना अपराध खत्म हो जाता है, कोई दंड मिलनी चाहिए, इसलिए वो सोच रहे हैं मेरे को कोई सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा अगर नहीं मिलेगा ना भैया प्रायश्चित नहीं होता है, ये जेल क्यों है, जो चोरी करते हैं उनको जेल में सजा मिलती है ना, सजा मिलने पर पाप तुम्हारी खत्म, अगर राजा अगर दंड दे दे वो पाप खत्म हो जाती है, बोले कोई दंड मेरे को मिलनी चाहिए, वो बैठे हुए थे हैं मेरे को कोई दंड मिलनी चाहिए, लेकिन गौरमुख ब्राह्मण जब जा करके ये बात को बोले
आपको श्रृंगेरी ऋषि ने अभिशाप दिया सप्तम दिवस में तक्षक दंशन करेगा, वो दुखी नहीं हुए, खुश हो गए, बड़े बड़े परम प्रसन्न हुए, बोले मेरे को सजा मिल गया, मेरे सारे अपराध खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उनको अभिशाप मिली, यहाँ पर कहते हैं लेकिन उनमें इतने शक्ति थी इनके अंदर में, ये अभिशाप को टाल सकते थे, इतनी शक्ति थी इनके अंदर, लेकिन उन्होंने अभिशाप को टाले नहीं, अभिशाप को टाले नहीं हैं, तरह तरह का उपाय है अभिशाप को टालने के लिए, टाले नहीं। बोले क्यों नहीं टाल दिए, कारण क्या? बोले कारण है कि ये जो अभिशाप मेरे ऊपर में है ये भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि आप देखना मरने से एक मुहूर्त पहले किसको पता नहीं चलता है मरने वाले, देना बैठ बैठ के हार्ट अटैक हो जाता है, बैठ बैठ कर कितने लोग मर गए आज, कौन बोल रहे थे, बैठ बैठ कर किस लिए मर गए पता ही नहीं चला, कहीं खबर आया वो बैठे हुए थे रात में खा करके सोए, बस उठे ही नहीं, वो सोते ही रह गए। लेकिन देखो ठाकुर को हमारे ऊपर में कितने आशीर्वाद, कितने कृपा है, 7 दिन पहले मैं मरने वाला है ही नहीं, 7 दिन पहले कभी नहीं मरूंगा, क्योंकि ऋषि की अभिशाप है, इसलिए मेरे पास में 7 दिन है, इसलिए 7 दिन तक क्या कर सकता हूँ, 7 दिन तक भगवान की कथा सुन सकता हूँ, भगवान का भजन कीर्तन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, यहाँ पर टीका में बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने कहते हैं, कहते महाप्रभु के विषय में कहते हैं, जैसे श्रीमान महाप्रभु को जब महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन कर रहे थे हैं, कीर्तन कर रहे थे, जब कीर्तन करते तो दरवाजा बंद करके कीर्तन होती थी, अंधेरे में किसको घुसने नहीं देते थे। इतने में एक ब्राह्मण आए, बोले मैं भी थोड़ा कीर्तन दर्शन करना चाहता हूँ, कीर्तन दर्शन का हमें सुजोग दो, लेकिन अंदर में घुसने नहीं दिया। वो ब्राह्मण बोले मेरे को घुसने नहीं दिया, उन्होंने निकाला अपना जनेऊ, हे जनेऊ लेकर के अभिशाप दे दिया, बोले तुम्हारी संसार धर्म नष्ट हो जाए, महाप्रभु ने अभिशाप दिया तुम्हारे संसार धर्म नष्ट हो जाए, हमें अंदर जाने नहीं दिया, है अंदर जाने नहीं दिया, कीर्तन रस को आस्वादन करने नहीं दिया, इसलिए जब उन्होंने अभिशाप दे दिया संसार धर्म पर नष्ट हो जाए, महाप्रभु क्या किया, स्वीकार कर लिया। बोले भैया हम भजन क्यों कर रहे, संसार को तो नष्ट करने के लिए ना, संसार जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकते हैं, संसार को नष्ट करने के लिए ही भजन कर रहे हैं, भगवान कब मिलेंगे, ऋषि मुनि लोग क्यों तपस्या करते थे, ये संसार का बंधन हमारी नष्ट हो जाए, सारे आसक्ति संसार में जितने, भरत महाराज जितना भजन किया एक हिरण का प्रति आसक्ति हो तो 3 जन्म उनको बर्बाद गया उनका, इसलिए तो भजन कर रहे हैं। लेकिन महाप्रभु ने स्वीकार किया, बहुत बढ़िया हुआ, ऋषि अगर इनके अभिशाप से अगर संसार धर्म नष्ट हो जाए फिर तो मैं संन्यास लेकर के दिन रात, महाप्रभु क्या करते थे, हाँ कृष्ण बोल करके दिन रात रोते थे हैं, इसलिए ये बड़े भाग्य से ये सर्व नष्ट होता है। इसलिए यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं, जैसे महाप्रभु हैं कहते लोग किसको अभिशाप दे दो तुम मरने वाले क्या होगा, साधारण व्यक्ति को अगर बोल दो ना 7 दिन में तुम मरने वाले क्या होगा, और अभी तो अभी मर जाएगा वो अभी मर जाएगा, बोले 7 दिन बाद में मर जाऊंगा, राजपाट घर द्वार सब खत्म हो जाएगी। तो यह विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं सांसारिक लोग दुखी क्यों होते हैं, बोले इनकी इच्छा क्या, इंद्रिय तृप्ति करेंगे, संसार भोग करेंगे, और संसार का भोग खत्म हो जाए क्यों लोग दुखी क्यों होते हैं, संसार भोग नष्ट हो जाएगा मेरे बीवी बच्चे स्त्री पुत्र बारे में खत्म हो जाएंगे कैसे, वो आधा ही मर जाता है सुनते ही। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं हैं, कहते लेकिन साधारण जो सुकृति संपन्न ये बड़े सुखी होते हैं, बोले क्यों, कहते ये वैराग्य कारण है, इसलिए परीक्षित महाराज ने अभिशाप को इसलिए स्वीकार किया, ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर में, ठाकुर जी का कृपा है, 7 दिन तक मैं भगवान की कथा सुनते सुनते ये जीवन को हम बिताएंगे, इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया, उन्होंने भगवान की आशीर्वाद मान करके, कृपा मान करके। अभी परीक्षित महाराज ने अपना बेटे को उन्होंने राज सिंहासन में बैठा करके उनको राज तिलक लगा दिए, लगा करके उन्होंने कहा सुकरताल है मुजफ्फरनगर पर, सुकरताल है वहीं पर जा करके, अभी भी वो बटवृक्ष जिसे बटवृक्ष को नीचे उन्होंने भजन किया था वो बड़ौते से आगे, एक बार हम लोग गए थे तो अब थे ना, हाँ वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर सुंदर गंगा, बड़ी सुंदर गंगा वहाँ पर बह रही है, अभी भी वो विशाल बटवृक्ष है,
अभी भी कहते कहीं ना कहीं एक दो तोता दिखाई पड़ेगा वो वृक्ष में ना, अभी भी कभी भी जाओ कहते वो वृक्ष के ऊपर में तोता, कहीं ना कहीं आपको ठीक से देखोगे तोता कहीं ना कहीं वृक्ष के ऊपर दिखाई पड़ेगा। इसलिए सब लोग जैसे भागवत कथा होता है ना, लोग अक्सर करके जब उधर होता है कहते उधर कथा करने के लिए लोग कोशिश करते हैं जैसे शुक्र ताल में भागवत कथा लोग अगर करा पाए, वहाँ पर हर समय लोग आते रहते हैं, वहाँ कथा चलती रहती है। इसलिए कहते श्री परीक्षित महाराज ने, इन्होंने कहाँ पर गए कहते उन्होंने जाकर के शुक्र ताल में वहाँ पर जाकर के उन्होंने वहाँ पर गंगा किनारा को उन्होंने आश्रय किया। बोले गंगा किनारा में क्यों गए, तब विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं हैं, इसलिए कहते जो गंगा है कहते प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल। गंगा कौन, भगवान की चरणामृत, और भगवान का चरणामृत और भगवान से कोई फर्क नहीं। इसलिए गंगा चरणामृत मतलब चरणामृत का आश्रय किया, मतलब भगवान का चरण को उन्होंने आश्रय गृहा। कहते प्रेम रस स्वरूप तुम्हार दिव्य जल, चैतन्य भागवत में कहते हैं बोले शिव से तुम्हार तत्व जाने में सकल। बोले गंगा की महिमा कौन जानता है, बोले भोले बाबा। इसलिए जटा में उन्होंने गंगा को उन्होंने देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे हैं, इसलिए अपना जटा में धारण करके रखे। बोले सकृति तुम्हार नाम करिले श्रवण, तार विष्णु भक्ति है पुण्य भक्षण। बोले केवल एक बार उसका नाम श्रवण करने से भगवान की विष्णु भक्ति होता है। अगर कोई गंगा पानी को आचमन अगर करे भाई, उसका उसका महिमा हम क्या बताएं, इसकी सौभाग्य हम क्या बताएंगे। बोले तार विष्णु भक्ति है कि पुण्य भक्षण। बोले तुम्हार प्रसाद से कृष्ण हेन नाम स्फुर जिबेर मुखे इथे नहीं आर। बोले तुम्हारी इस कृपा से ही कृष्ण का जो नाम है ये जिह्वा में जो उच्चारित तो होता है कैसे। बोले केवल तुम्हारी स्मरण मात्र कृपा से ही ये जिह्वा पर भगवत नाम उच्चारण होता है। बोले कि पक्षी श्रीगाल कुकुर यदि है, अगर कोई कीड़े मकोड़े कोई चिड़िया कोई सियाल कोई कुत्ता भी अगर हो तथापि तुम्हार यदि निकट बसे, अगर ये भी अगर तुम्हारी निकट में निवास करते हैं उनका भी भगवत भक्ति होता है। इसलिए महाप्रभु जब संन्यास लेकर के जा रहे थे उन्हें बड़ी दूर तक तो कहीं कृष्ण नाम सुनने को कहीं नहीं मिला, लेकिन जब एक जगह पर गए ना देखा कुछ बच्चे लोग हरी बोल हरी बोल हरी बोल कर रहे थे। महाप्रभु बोले यहाँ तक तो कोई ठाकुर का नाम गंध तक नहीं मिला, लेकिन यहाँ आते ही हरी बोल हरी बोल, ऐसे कैसे। फिर देखा पास में गंगा बह रही है, गंगा की हवा अगर अगर किसी शरीर में लग जाए ना, भगवान की चरणामृत है, केवल हवा अगर किसी को शरीर में लग जाए उसके हृदय में भगवत प्रेम की भगवत नाम की स्फुरन होता है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने किया क्या, उन्होंने गंगा किनार को आश्रय करते हुए वहीं पर बैठे मन ठाकुर जी की चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। उसी समय कोई टेलीफोन टेलीग्राफ नहीं था, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में दिव्य ज्ञान हुआ करता था, इसलिए वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग उद्घोषित हुए, क्योंकि उनको पता था अभी श्रीमद परीक्षित महाराज को उपलक्ष्य करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, यहाँ पर श्री भागवत कथा होगी, इसलिए वहाँ पर 88,000 ऋषि लोग वहाँ पर उपस्थित हुए। फिर क्या हुआ फिर इसको हम कल सुनेंगे, ठीक है। वंशा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधु भाईवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।